नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, सोशियोलॉजी में अब तक हम लोगों ने 2017 तक का क्वेश्चन बैंक कर लिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2018 के क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों, मुझे पता है कि सोशियोलॉजी का वीडियो लेट से आता है, आप लोग कमेंट भी करते हैं, तो दोस्तों उसका कारण यह है कि सोशियोलॉजी मैं जनरली पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसके आंसर एग्जैक्ट सारे आंसर पता नहीं होते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गलत आंसर बताऊँ, इसलिए मैं पहले सारे आंसर को कन्फर्म करता हूँ। क्वेश्चन बैंक में भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं, इसलिए पहले मैं सारे आंसर को कन्फर्म करता हूँ अच्छे से। तो सारे आंसर कन्फर्म होने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं, तो इसलिए मैं उसे सारे आंसर को कन्फर्म करता हूँ, उसके बाद जाकर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और मेरी कोशिश रहती है मैं आपको 100% दूँ, मेरी वजह से आपके नंबर ना कटे, ठीक है। जैसे जनरली बाकी यूट्यूबर करते हैं, कुछ भी बता देते हैं आके, क्वेश्चन बैंक बता देते हैं, गलत आंसर बता देते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको गलत आंसर ना बताऊँ, क्योंकि मेरे वैसे अगर आपका नंबर कम होगा तो ये मेरे लिए दुखदाई है, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं आपको 100% दूँ, फिर भी मैं मुझे पता है कि मैं 100% सफल शायद नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको सारे आंसर सही बताने की, ठीक है। जहाँ मुझे डाउट होता है मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट से आती है सोशियोलॉजी की, तो इसलिए मुझे आपसे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन बैंक की। तो 2018 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों इसमें है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो भारत की बात हो रही है, तो भारत में बम्बई विश्वविद्यालय से आपका समाजशास्त्र शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका, मुस्लिम विवाह है एक, तो दोस्तों मुस्लिम विवाह एक समझौता माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपका, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, तो न्यायाधीश की भूमिका सरपंच अदा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, निम्न से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाँच में है, निम्न से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है, तो हिंदू विवाह के उद्देश्य की बात करेंगे इसमें हम सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। छठा आपका है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है, तो नगरीकरण दोस्तों प्रदूषण को बढ़ावा तो देती ही है, साथ ही साथ नगर में जनसंख्या अधिक होता है तो वहाँ भीड़ भाड़ अधिक होता है। और तीसरा है आपका गुमनामिता, तो अक्सर आपने सुना होगा कि शहर में जाकर लोग क्या होते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो गुमनामिता को भी क्या है, शहर बढ़ावा देती है, इसलिए हम लोग सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सॉरी सातवां दोस्तों, चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे चाचा की बात नहीं कर रही है, चाची की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले तो बात रखिए, देखो कि दोस्तों प्राथमिक जो आपका होता है, प्राथमिक श्रेणी में आपके माता पिता आते हैं, ठीक है। इस बात को याद किया, माता पिता भाई बहन ये आपके क्या होंगे, प्राथमिक श्रेणी होंगे, ठीक है। प्राथमिक श्रेणी में माता पिता और भाई बहन होंगे, ठीक है। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो जो रिश्तेदार आपके पिता से सीधा संबंधित होंगे या माता से सीधा संबंधित होंगे, जैसे पिता की बात करें तो चाचा आपसे क्या होते हैं, सीधे संबंधित होते हैं पिता से, क्योंकि पिताजी के भाई है तो डायरेक्ट संबंध है उनका, तो चाचा क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी में आते हैं। वही अगर बात करें मौसी की, मौसी माँ के तरफ से सीधा संबंधित है, माँ के बहन है तो सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है माँ से, तो वो आपके द्वितीय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। लेकिन बात हो रही है चाची की, चाची आपके पिता से सीधा संबंधित नहीं है, वो चाचा के थ्रू संबंधित है, तो इनडायरेक्ट रूप से संबंधित है, तो जो रिश्तेदार आपके इनडायरेक्ट रूप से संबंधित होगा वो आपके तृतीय श्रेणी में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए चाची आपके क्या होगी, तृतीय श्रेणी में आएंगे, द्वितीय श्रेणी में नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आठवां की बात करते हैं, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, तो हठ विवाह दोस्तों जनजातीय समाज में चलता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ की बात करें, निम्न में से कौन से जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्यों, क्योंकि बात हो रही उत्तर पूर्वी भारत की, तो उत्तर पूर्वी भारत के अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र विशेष की बात करें, तो उत्तर पूर्वी में आपका नागा जनजाति भी होता है, कुकी भी पाया जाता है और बोडा भी होता है, ठीक है। लेकिन खास आपका उत्तर पूर्वी भारत में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है जो कि आपके उत्तर में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में, तो मेरे अनुसार इसका आंसर खस होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह क्या होता है इसका आंसर आपको कुकी देता है, कुकी किस हिसाब से देता है मुझे ये समझ में नहीं आता है, तो मुझे नहीं बता सकते, सॉरी मेरे ख्याल से कुकी जी बात हो रही है वो क्या है कि कुकी जो संबंध क्या है, मंगोल से है, ठीक है। दोस्तों कुकी जो जनजाति है उसका संबंध कहाँ से है, उसकी जड़ें मंगोल से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात
जड़ की नहीं हो रही, यहाँ पे क्षेत्र विशेष की बात हो रही है कि किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो कुकी आपके उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, असम में होता है, सिक्किम वगैरह में भी पाए जाते हैं। तो ये आपके उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, यहाँ पे लेकिन लिखा है नहीं पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर खस होगा, न कि कुकी होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात करें तो आप खस के साथ जाइएगा, लेकिन आप अपना जो आंसर देना चाहे आप दे सकते हैं, आप मुक्त है, फ्री है। ठीक है, फिर आपका है संविधान के लिए अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रावधान है। थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, ठीक से समझिएगा क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरी का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो दोस्तों नौकरी के आरक्षण की बात हो रही है, तो इसमें से हम लोग अनुच्छेद पहला हो जाएगा 335 में नौकरी का अनुच्छेद है। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद में आपके अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी आरक्षण दिया गया है। लेकिन आपको बहुत जगह इसके आंसर 15 दे रहा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे या क्वेश्चन बैंक बताता होगा। ठीक है, तो 15 में क्या है वो समझिए दोस्तों। 15 में तो बेसिकली पहले जान जाने कि 15 में आपके क्या है, धर्म, जाति, लिंग और इस सब आधार पर क्या है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15(4) ठीक है, अनुच्छेद 15(4) जो है उसमें थोड़ा सा आरक्षण दे रखा है, लेकिन वो आरक्षण आपके नौकरी से नहीं है। वो आरक्षण किस चीज़ का है तो आप लोग देखते होंगे कि स्कूल वगैरह में जो एडमिशन करने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन करने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा जो SC ST उसको छूट मिलता है। ठीक है, तो वो जो एजुकेशन वाले में जो संस्थानों में जो आपको आरक्षण दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 15(4) में है। नौकरी का आरक्षण 15(4) में नहीं है, इसलिए आप लोग अनुच्छेद 335 के साथ जाइएगा। मेरे अनुसार इसका आंसर 335 होगा, और मेरे पास जो किताब एक है जो भी है उसमें यही आंसर दिया हुआ है, किताब के बीच में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मेरे आंसर से इसका आंसर पहला होगा, बाकी आप लोग फ्री है उत्तर देने के लिए। 11 की बात करें, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो दोस्तों यह कथन आपके टाइलर का है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। फिर आपका है डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो डेंजरस ड्रग्स एक्ट आपका 1930 में पारित हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी क्या है संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक वगैरह में से आंसर आपको 29 दे रखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों 29 नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धारा 46, क्योंकि अनुच्छेद 29 में जो है वो आपका अनुसूचित जाति से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपके अल्पसंख्यक से संबंधित है। ठीक है, ये जो भी है अल्पसंख्यक से संबंधित है, 29 और 30 दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित है। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो आपके भारत में है वो अल्पसंख्यक में आते हैं, और दोनों अनुच्छेद उनसे संबंधित है, अनुसूचित जाति से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर मेरे अनुसार से धारा 46 होगा। ठीक है, धारा 29 नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका है किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है? तो ये तो सिंपल है, मैं कई बार पेज ने कहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर आपका है वर्ग व्यवस्था है एक, तो वर्ग एक बंद व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 में है सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो सभी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके साथ होगा आंसर। फिर आपका है सह पलायन विवाह विवाह का एक प्रकार है किसमें होता है? तो जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। फिर आपका है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी है? अब यहाँ भी क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा फंसता है, तो सोसाइटी इन इंडिया जो है वो कई सारे लोगों ने इसके बुक लिखा है। ठीक है, कभी कहीं नाम आपका KM का पर्याय का भी आता है, ठीक है, कहीं किसी और का आता है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा वो मेंडलम होगा। ठीक है, क्योंकि मेंडलम ने सोसाइटी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर मेंडलम होगा। ठीक है, तो आप लोग पहला के साथ जा सकते हैं, बाकी आप फ्री हैं। फिर है 19 में मध्यान्ह भोजन कहाँ लागू हुआ था? तो स्कूल में, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 20 में है निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। फिर है धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 22 में निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? क्या एक बार क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका औद्योगिकरण होगा, ऑप्शन नंबर
पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है 23 में संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है तो निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 25 में है निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, तो ये आपका अनुसूचित जाति आयुक्त को है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। फिर है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 27 में पश्चिमीकरण का अवधारणा किसने दिया है, तो श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है, तो सामाजिक परिवर्तन विचारों की भूमिका पर बल मैक्स वेबर ने दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है, तो सामाजिक स्तरीकरण का रूप, अब यहाँ भी फंसने वाली बात है क्योंकि वर्ग और जाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का रूप ऑलरेडी किताब में दे रखा है, मैक्स वेबर ने भी इस बात को बोला है, ठीक है, फिर से आपका श्रीनिवास ने भी इस बात को बोल रखा है। तो अब बात होती है धर्म और लिंग की, ठीक है, तो किस रूप में हम स्वीकार करेंगे, तो किताब बैग अभी क्वेश्चन बैग से इसके आंसर मेरे ख्याल से जाति दे रखा है, ठीक है, लेकिन जाति आता है तो मेरे हिसाब से इसके आंसर लिंग होना चाहिए क्योंकि लिंग पे आधार पर स्तर नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, लिंग वाली बात समाज में चलती है लेकिन उसके अनुसार बांटा नहीं जाता है समाज को, ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा। फिर आपका है सोशल चेंज शब्दवाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सोशल चेंज शब्दवाली का प्रयोग सबसे पहले आपका किया गया था इस क्या है हर्बर्ट स्पेंसर, मेरे ख्याल से देख लेता हूँ क्या है आंसर, मैंने क्या इसको सर्च किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ही ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। फिर आपका है समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं, तो काफ़ी ईजी है, अगस्त क्रांति जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 में हिंदुओं में विवाह के कितने रूप माने जाते हैं, तो हिंदुओं में 8 प्रकार चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो यह कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पहले में लोग क्या थे, शिकार संग्रह पशुचारण का होते थे और दूसरे में आपके कृषि स्तर पर पहुंचते हैं, कृषि करना शुरू करते हैं लोग। 34 में है सबला स्कीम केंद्रित है, तो दोस्तों इसका भी आंसर क्वेश्चन बैंक में आपको ये दे रखा होगा लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, सबला स्कीम जो है वो आपका 11 से 18 वर्ष के लड़कियों के लिए है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा किशोरियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 35 में है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, अब यहाँ भी क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, कहीं कहीं इसके आंसर पनिकर देता है, कहीं कहीं इसके आंसर अमरसेन देता है, ठीक है, तो अमर मेरे ख्याल से अमरसेन जो है वो आपके अर्थशास्त्री है, ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो आपका समाजशास्त्र थोड़ा सा डिफरेंट है, तो समाजशास्त्र में थोड़ा वो नहीं आ सकते हैं, नहीं आएंगे, आ सकते वाली बात नहीं, हो सकता नहीं आए, लेकिन ठीक है, तो आप लोग आपके पास अगर किताब होगा तो आप लोग उसको देखिए किताब में इसका आंसर क्या है, ठीक है, या आपको जो करेक्ट आंसर पता हो बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है, फिर भी हम लोग अमर सेन के साथ जाएंगे क्योंकि कहीं कहीं इस पर ज़्यादा वेटेज पड़ता है, ठीक है, कि अमर सेन के बारे में, लेकिन इसके आंसर पनिकर भी हो सकता है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो किसका कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, फिलहाल इसमें सर्च करूँगा, अगर मुझे मिलता है इसका आंसर तो मैं किसी वीडियो में इसको मैं कन्फर्म कर दूँगा। 36 की बात करें परीक्षा विवाह, विवाह का एक प्रकार है, तो यह जनजातीय समाज में चलता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, तो ये आपका लैटिन और ग्रीक से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है, तो भारत में विवाह प्रकार परिवार जो लिखा है ये मेरे ख्याल से के एम कपाड़िया जी ने लिखा है, ठीक है, जी हाँ, ये आपका के एम कपाड़िया जी का है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है शहरीकरण का लक्षण है, तो शहरीकरण का लक्षण क्या हो जाएगा, व्यापार में विकास, शहर के चारों केंद्र का विकास, ग्रामीण शहरी प्रबंधन, सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। 40 की बात करें निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है, तो बाल विवाह एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, और यह कब आया था, 1929 में आया था, इस बात को भी याद रखिएगा। फिर है अल्पसंख्यक एक है, तो अल्पसंख्यक दोस्तों क्या होता है, राजनीतिक संकल्पना हो जाएगा क्योंकि ये राजनीति से संबंधित बातें हैं, इसलिए आपका राजनीतिक संकल्पना हो जाएगा। हो सकता है इसका आंसर मैंने किसी वीडियो में गणितीय संकल्पना बताया हूँ क्योंकि संख्या वाली बात हो जाती है, इसलिए मैंने इसको किसी वीडियो में गणितीय संकल्पना बताया होगा, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, गणितीय संकल्पना न होगा, ये आपका आएगा राजनीतिक हो जाएगा क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दों से संबंधित मामला है, इसलिए राजनीतिक संकल्पना हो जाएगा।
फिर आपका है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, तो ब्राह्मण एक वर्ग नहीं है, ब्राह्मण क्या आपका जाति हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। 43 में है पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम इकाई है, तो पंचायत सेवक न्यूनतम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा। फिर आपका है सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सोसाइटी मैकाइवर पेज ने लिखा है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, यहाँ ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। फिर है किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरू हुई थी, तो ये 97 में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा, बालिका समृद्धि योजना 97 में शुरू हुआ था। फिर है लैंगिक विषमता का संबंध है, तो लैंगिक विषमता का संबंध इसमें आप देखिए लैंगिक विषमता वाली बात आती है तो यहाँ पे ठीक है राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, सामाजिक मूल्य भी हो सकता है और आर्थिक से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे, तो एक मिनट देख लेता हूँ मैंने क्या इसका आंसर खोजा था। तो ये आपका लैंगिक विषमता समाज में भेदभाव वाली बात होती है, ठीक है, तो मेरे अनुसार से इसका आंसर सामाजिक मूल्य से होगा, ठीक है, लेकिन अलग क्वेश्चन बैंक समय इसका आंसर ये देता है, लेकिन मुझे इस पर डाउट है, ठीक है, मेरे अनुसार से इसका आंसर सामाजिक मूल्य से होगा, क्योंकि समाज में लड़का लड़की में भेदभाव वाली बात आती है, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर नहीं होता है, क्योंकि सबको समान अधिकार वाली बात क्या कहता है, संविधान कहता है, इसलिए हम राजनीतिक मूल्यों से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संविधान में सबको समान अधिकार की बात कहा गया है, लैंगिक विषमता वाली बात नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये आपका आंसर सामाजिक मूल्य से होगा, ठीक है। फिर आपका है किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी, तो यह 1987 में बना था, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक है, तो वैश्वीकरण के इसमें अपने सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। फिर है भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो समेकित बाल विकास की बात हो रही है, तो ये 1975 में शुरू हुआ था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 2018 के क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लीजिएगा, जहाँ डाउट है उसको मैं कभी ना कभी जरूर क्लियर कर दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत जल्द मैं आपके सारे क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।